और ऐसे कैसे नहीं पीती? मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना है श्वेता, इसके लिए तुम्हें तो पीना पड़ेगा। लो। अरे नहीं। चलो पियो पियो पियो। बाद में पी लूंगी। सब ठीक है ना? कोई बात तो नहीं जो तुम्हें मुझसे शेयर करनी है? क्रिश तुम जाओ ना यहाँ से, मुझे सोना है अभी। तुम जाओ। श्वेता क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों? क्रिश तुम जाओ ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? क्रिश तुम जाओ, मेरी मुझे सोना, मुझे सोना है यार, मैंने दवाई खाई है, मुझे सोना, तुम जाओ यहाँ से। दिनों में हमारी शादी होने वाली है श्वेता, पर तुम जिस तरह मुझसे चिढ़ रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम सच में मुझसे शादी के लिए तैयार हो ना? कह तो चुकी हूँ शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ? हर चीज स्टैम्प पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं है श्वेता, हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए इधर आया था, पर तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगा। तुम ये क्या कर रही है श्वेता? अगर इसे मुझ पे शक हो गया तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। देव मैं कह रही हूँ इसमें देवेन का जरूर कोई ना कोई हाथ है। देखो आज वो शाम को अचानक से प्रकट हो गया, उसके बाद चोरी के बाद गायब भी हो गया, और आज मैंने और माने श्वेता को तिजोरी के पास भी देखा था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चोरी ना श्वेता का प्लान है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि कोई ना कोई उसका कनेक्शन जरूर है। तुम्हें कनेक्शन नजर नहीं आ रहा? पैटर्न नजर नहीं आ रहा क्या? देखो गाना गाना हुआ उस दिन, माँ के बर्थडे वाले दिन, उसके बाद चीकू की किडनैपिंग हो गई, आज भी गाना हुआ, उसके बाद में घर में चोरी हो गई। अब आगे पता नहीं क्रिश की संगीत और शादी तक क्या क्या होगा। सॉरी क्रिश, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गई, पर क्या करूं, देखा ना आज इतना बड़ा दिन था हम दोनों के लिए और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई हूं, थोड़ा टेंशन में हूं। रियली वेरी सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम बस आराम करो, मैं चलता हूं। ऐसा कर रही है ना? इतना मुझे पैसे चाहिए। इवन मारना मत, प्लीज प्लीज इवन मारना मत मुझे। आज जो तूने मेरा नुकसान किया है ना उसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना उस वीडियो की सेकंड कॉपी मेरे पास है, समझी? जो करना है ना जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कह देती हो रिशिता कि तुम्हें श्वेता पे शक है? तुम्हें ये सब दिख रहा है पर ये क्यों नहीं दिख रहा है कि जब भी इस घर में कुछ हादसा हुआ है उसमें लॉस श्वेता का ही हुआ है, पहले चीकू गायब हुआ उसके बाद आज श्वेता को चोट लगी, ये सब क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें? जो मुझे दिख रहा है वो भी तो तुम्हें नहीं दिख रहा ना देव। अच्छा सुनो, चाबी अभी माँ को दोगे ना कहना मत मेरे पास थी, वरना सारा इल्जाम मेरे पे लगा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं माँ को जाके ये बोलूँ कि चाबी मेरे पास थी ताकि माँ मुझे चोर समझे? तुम्हारी ये चाची चौधरी बनने के चक्कर में ना मुझे नहीं फंसना है, मैं वहां जाके चाबी ऐसे रख दूंगा जैसे मैंने चाबी देखी नहीं। श्वेता का ही हाथ है।
देख, झगड़ा हम दोनों के बीच है, अपने बीच में ही रहने देते हैं। आंगन में जाके सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा झगड़ा हुआ है, सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। तुझे जो करना है ना कर ले, मैं तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। निकल यहां से। आइए इंस्पेक्टर साहब और गिरफ्तार कर लीजिए इसे, एक नंबर की चोर है ये। ओए क्या बोल रहा है तू, ये चोर नहीं है, मेरी भोली बहू है। इंस्पेक्टर साहब, इसने तो वो चोर को पकड़ने की कोशिश की और मेरे पैसे बचाए। अरे काकी, आप जितना भोला ऐसा समझती है ना, उतनी भोली है नहीं। प्रूफ दूं आपको? हाँ दे। दिखा दो। ये देखिए इसकी करतूत। हाय लॉर्ड। ये देखो, ऋषिता भाभी ने सही कहा था कि ये लड़की भरोसे लायक नहीं है, पर हम लोगों ने एक बात नहीं मानी। झूठ बोल रहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिलीव ही मैंने तुम पे भरोसा किया था श्वेता, तो तुम तो उस भरोसे लायक हो ही नहीं। हाँ, मैंने इसकी इन्हीं आदतों की वजह से इसको छोड़ा है। चोरी चकारी झूठ बोलना, यही सब तो आता है इसे। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ, लेके जाओ इसे। नहीं, दरादी, दरादी, प्लीज मुझे बचा लो, दरादी मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया, दरादी ये झूठ बोल रहा है, मेरे काकी, मुझे नहीं जाना, मुझे, मुझे। सपना था। अंदर आसमान गिर गया। वो सपना, सपने में एक बंदर ने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ नहीं रहा था, तो उसे छुड़ाने के चक्कर में मैं गिर गई। क्या बोल रही है? ए, चादर मेरी ऊपर क्यों लेके जा रही है? देख, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, तो मुझे डबल चादर ओढ़ के सोना है। अगर तुझे चाहिए दूसरी चादर, तो जाके अलमारी में से ले ले।